हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज खेलने चले, जहां मिलते हैं आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि न्यू पॉलिसी आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू पॉलिसी लेके आए हैं स्पोर्ट्स में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके आपको क्या फ़ायदे होंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, सो दैट आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स के बारे में, यानी कि नई इस पॉलिसी के बारे में आपको पता चले। सो दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है दैट इज www.khelnechale.com, जहाँ पे हम स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो दोस्तों, इस तरह हमने ये न्यूज़ डाल दी है, तो आप इधर आके पढ़ सकते हैं। सो मैं इस न्यूज़ को ओपन कर रहा हूँ, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल टू ऑल। सो दोस्तों, ये जो पॉलिसी है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो स्टेडियम्स हैं, वो एक्सेसिबल कर दिए हैं हर किसी के लिए, यानी कि कोई भी आकर यहाँ पर खेल सकता है, चाहे वो एथलीट हो, नॉन एथलीट हो, या कोई नॉर्मल जो अपनी फिटनेस के लिए खेलता है, वो भी आके इसमें, यानी कि इन स्टेडियम्स में आके खेल सकता है। तो दोस्तों, इसके बारे में और जानते हैं, तो हम इसे क्लिक करते हैं। सो दोस्तों, ये है, सो आप यहाँ पे इस न्यूज़ को हम पढ़ते हैं। सो दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ था 29 अगस्त 2019 न्यू दिल्ली में। सो जो इसका जो मोटो था, वो था लोगों को फिट रखना, हेल्थी रखना और हैप्पी रखना। सो दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ है कि लोग तभी फिट, हेल्थी या हैप्पियर रह सकते हैं जब उन्हें खेलने की जगह मिले, यानी कि वो एरिया मिले जहाँ पर वो सब कुछ फैसिलिटी ले सकें। तो गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है कि कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको यूज़ कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोचेज़ हो या फेडरेशन हो, कोई भी उसे यूज़ कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में जितने भी स्टेडियम्स हैं, कोई भी जाकर उधर एक्सेस कर सकता है और आराम से वो अपना अपने आप को हेल्थी रख सकता है, फिट रख सकता है और कोई भी इवेंट वो खेल सकता है। तो ये मोटो के साथ उन्होंने ये इनिशिएटिव, यानी कि न्यू पॉलिसी लेकर आए हैं। सो ये बेसिकली फिट इंडिया मूवमेंट का ही आउटपुट है, सो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। सो देखिए, इसमें फैसिलिटी टू अवेल, सो अगर मैं बात करूँ नेशनल एंड स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन, अगर हम जो भी नेशनल और स्टेट स्पोर्ट फेडरेशन है, वो अवेल कर सकते हैं फैसिलिटीज़ स्टेडियम की फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो कोई कंपटीशन कंडक्ट करवा रहे हैं, कैंप्स करवा रहे हैं या लीग करवा रहे हैं। सो दोस्तों, ये तो एक हो गया, अगर आप कोई भी नेशनल या स्टेट की जो फेडरेशन की जो फैसिलिटीज़ क्या क्या उनको प्रोवाइड करें, ये है कि अगर वो कोई भी इवेंट कर रहे हैं, या चाहे वो नेशनल इवेंट हो या कंपटीशन हो, कैंप्स हो, लीग हो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू। अगर मान लीजिए, अगर आप एक नॉन साइक कोच, अगर आप साइक यानी गवर्नमेंट फील्ड के कोच नहीं है, लेकिन आप तब भी बच्चों को ट्रेन करते हैं, और अगर आपके पास बच्चे 10 से ज़्यादा हैं, मिनिमम 10 या उससे ज़्यादा हैं, तो भी आप उनको स्टेडियम में ले जाकर वहाँ पर उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। और इसमें यह है कि कोचेस उन बच्चों से पैसा ले सकता है, वो कोचेस के ऊपर हैं। तो ये है कोचेस के लिए। और इसमें एक और चीज़ है, अगर कोई भी जो कि कोई भी पर्सन, अगर वो प्रोफेशनली स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा, बस एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए खेल रहा है, तो भी वो जाकर स्टेडियम में प्रैक्टिस कर सकता है, अपने आप को फिट रख सकता है। बस उसको एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करवाना पड़ेगा, जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी एट नॉमिनल कॉस्ट, यानी कि जो भी उनके 45 जो भी उनके चार्जेस हैं, वो उसमें वो आपको दे सकते हैं। सो दोस्तों, इसमें कौन कौन से स्टेडियम हैं जो कि ओपन हो गए हैं, मतलब जिसमें कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो है जैन स्टेडियम न्यू दिल्ली, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली, करनी शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली, आईजी स्टेडियम न्यू दिल्ली एंड एसपीएम स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। इसमें कि आप जाके अपनी कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्टेडियम ईयरमार्क फॉर कंडक्टिंग टूर्नामेंट्स एंड कॉम्पिटिशन एंड लीग्स। अब जो फेडरेशन के लिए, अगर क्योंकि कोई ना कोई जो स्टेट एसोसिएशन है कोई भी, या फेडरेशन है, वो अपने टूर्नामेंट करा सकती है, तो अभी के लिए जो स्टेडियम्स खुले हैं, वो हैं जेलन स्टेडियम जहाँ पे फुटबॉल हो सकता है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जहाँ पे हॉकी हो सकता है, करनी शूटिंग रेंज जहाँ पे शूटिंग हो सकती है, और आईजी स्टेडियम जो रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो एंड बैडमिंटन के लिए ओपन है, यानी कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट करवा सकते हैं ये फेडरेशन के लिए या कोई भी अदर जो बॉडी है उनके लिए ओपन है ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू। सो ये ऑनलाइन जो प्रोसेस होगा, वो स्टार्ट होगा 1 नवंबर 2019 से। सो दोस्तों, ये जो है न्यू पॉलिसी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेकर आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो कि आपको बताना मुझे सही लगा। सो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे, यानी कि आप लोगों के और कुछ जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, ये वेबसाइट है हमारी खेलने चले, जहाँ पर आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो दोस्तों, ये देखिए, इनका ये होम पेज है,
यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली आपको स्पोर्ट्स की यानी कोई भी जो स्पोर्ट्स है उसकी न्यूज़ यहाँ पे मिल सकती है। यानी कि आप अगर हमारी वेबसाइट को रोज हमारी वेबसाइट में आते हैं तो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यानी कि न्यूज़ जो है वो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश में है सो आप इजीली इसको देख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे इवेंट्स भी दिए हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल अदर इवेंट्स, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं ज्वाइन नाउ करके, मतलब अगर आप हमारी वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके अपना ये फॉर्म भरिए और इसे आप जो भी है आप इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि अगर जो भी हम इंफॉर्मेशन डालें वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाए। और आस्क योर क्वेरी, मतलब कभी कभार ये होता है कि एथलीट को कोई ना कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो यहाँ पे आके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। रजिस्टर इवेंट, दोस्तों कभी कभार ये होता है कि कोई ऑर्गेनाइज़र होता है उसको अपने इवेंट पब्लिश करने होते हैं लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पे वो अपने इवेंट दिखा सके ताकि लोगों को वो बुला सके, क्योंकि जनरली ये बहुत टफ होता है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है ऑर्गेनाइजर्स के लिए। अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो हमारी वेबसाइट में अगर आप अपने इवेंट डाल सकते हैं, कब आपका इवेंट हो रहा है, किस डेट में कोई प्लेस, स्पोर्ट्स एज कैटेगरी, किस एज कैटेगरी आप इवेंट करवा रहे हैं उसका अगर कोई बैनर है वो डाल सकते हैं, हाउ टू पार्टिसिपेट वो आप फिल कर सकते हैं, अगर उस इवेंट के चार्जेस हैं नॉन चार्जेस हैं वो भी आप डाल सकते हैं, उस इवेंट का बच्चों को क्या बेनिफिट यानी कि जो पार्टिसिपेशन होगा उसको क्या बेनिफिट होगा वो डाल सकते हैं, और अपना मोबाइल नंबर सो दैट जो पर्सन लोग हैं वो आपसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकें। तो दोस्तों ये रजिस्टर इवेंट के लिए। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट है जैसे कि सबमिट न्यूज़। दोस्तों कभी कभार होता है लोगों को न्यूज़ लिखने का शौक़ होता है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। सो दोस्तों उसके लिए भी हमने एक वेबसाइट में एक चीज़ डिज़ाइन की है जिसमें कि आप अपनी न्यूज़ सबमिट कर सकते हैं जो कि हमारी वेबसाइट में फ्लैश होगा और लोग उसे पढ़ सकें। और इवन दोस्तों अब हमारी वेबसाइट में भी ऑटोमेटिकली न्यूज़ प्रोवाइड होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें कि वो न्यूज़ अपने सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना नेम डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, पोस्ट टाइटल यानी कि किस स्पोर्ट्स के बारे में, उसकी कैटेगरी डाल सकते हैं और उसकी यानी कि न्यूज़ डाल सकते हैं और इमेज भी डाल सकते हैं अगर आपके पास इमेज है तो। सो दोस्तों ये है आप लोगों के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में आप लोगों के लिए था। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में रोज आइए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट से जुड़िए, ज्वाइन नाउ में जाके आप हम वेबसाइट से हमें जुड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजर है तो अपने इवेंट आप रजिस्टर कर सकते हैं सो दैट लोग उस चीज़ को देखें। अगर आप कोई अच्छे राइटर हैं और आपको लिखने का शौक है हिंदी या इंग्लिश में तो आप सबमिट न्यूज़ में करके आप अपनी न्यूज़ सबमिट कर सकते हैं। सो दोस्तों होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।